अस्सलामु अलैकुम, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023। सितंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए एंड वहां पे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। हमारी ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है एंड ऐप का नाम है शहजार क्लासेस। हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स है क्विक रिवीजन सीरीज फॉर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट। इस सीरीज में मैंने 500 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं ऑफ फोर सब्जेक्ट्स। आप चाहो तो आप इस सीरीज को परचेज कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। इनफैक्ट हमारी ऐप पे एक पीडीएफ फाइल अवेलेबल है जिसका नाम है बेस्ट 1000 प्लस क्वेश्चंस ऑफ जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। इसमें बेस्ट 1000 क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं। आप चाहो तो आप इस फाइल को भी परचेज कर सकते हो। हमारी ऐप पे मॉक टेस्ट्स भी अवेलेबल हैं फॉर पटवारी, वीएलडब्ल्यू, स्टॉक असिस्टेंट और वेटनरी फार्मासिस्ट एंड जेकेएसएसबी एफएए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन है, अ स्टडी बाय द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज कंफर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ ओनली कश्मीर मस्क डियर इन द डैश। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक स्टडी कैरी आउट की एंड उसने ये कंफर्म किया कि एक ही कश्मीर मस्क डियर बचा है। इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कि वो कहां पे है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, ये जो कश्मीर मस्क डियर है इसका बायोलॉजिकल नेम है, नोट कीजिए, मॉस्चस क्यूप्रियस। अगर सिंपल मस्क डियर पूछा जाए तो इसका बाइनोमियल नेम है मॉस्चस क्राइसोगैस्टर। ये जो मस्क डियर है ये है स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड। ये जो मस्क डियर है ये है स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड। ये जो उत्तराखंड स्टेट है इसकी दो कैपिटल्स हैं। अगर समर कैपिटल पूछी जाए तो वो है गैरसेन एंड अगर विंटर कैपिटल पूछी जाए तो वो है देहरादून। ठीक है, ये जो देहरादून है यहां पे क्या है, यहां पे हैं हेडक्वार्टर्स ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। देहरादून में हेडक्वार्टर्स हैं ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है ये बना था इन द ईयर 1981। ये जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ZSI, इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं, इसके हेडक्वार्टर्स हैं कोलकाता, वेस्ट बंगाल एंड ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी इन द ईयर 1916। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अगर पूछा जाए उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर अभी के टाइम पे कौन है, उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। ये जो मस्क डियर है इसको हंट किया जाता है फॉर इट्स सेंटेड ग्लैंड्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये जो देहरादून है, देहरादून में होने वाली है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। देहरादून में होने वाली है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इन दिसंबर 2023। यहां पे आप रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज भी याद रखिए। इंडस एंड सतलज रिवर के बीच में लाइक करते हैं पंजाब हिमालयाज, सतलज एंड काली रिवर के बीच में लाइक करते हैं कुमाऊं हिमालयाज, काली एंड तीस्ता रिवर के बीच में लाइक करते हैं नेपाल हिमालयाज, तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्रा इन दो रिवर्स के बीच में लाइक करते हैं असम हिमालयाज। ठीक है, इंडस एंड सतलज के बीच में पंजाब हिमालयाज, सतलज एंड काली रिवर के बीच में कुमाऊं हिमालयाज, काली एंड तीस्ता रिवर के बीच में नेपाल हिमालयाज, तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्रा इन दो रिवर्स के बीच में आते हैं असम हिमालयाज। ठीक है, ये जो हिमालयाज हैं इनको हम कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स। इनको हम कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इज माउंट एवरेस्ट।
जिसकी हाइट है 8848.86 meters। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ईस्टर्न एंकर ऑफ हिमालयाज, वो है नामचा बारवा, एंड वेस्टर्न एंकर ऑफ हिमालयाज वो क्या है, वो है नंगा पर्वत। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। बंगस एडवेंचर फेस्टिवल, इसको सेलिब्रेट किया गया कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। गुलमर्ग फेस्टिवल, इसको सेलिब्रेट किया गया बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। थर्ड एडिशन ऑफ फिल्म फेस्टिवल, इसको सेलिब्रेट किया गया जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। एंड विश्व लिटरेरी फेस्टिवल, इसको सेलिब्रेट किया गया कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। दैट मीन्स वन का आएगा बी, टू का आएगा डी, थ्री का आएगा ए, एंड फोर का आएगा सी। ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये जो बंगस एडवेंचर फेस्टिवल है, इसको सेलिब्रेट किया गया था एट बंगस वैली, जो कि लोकेटेड है इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए लोलाब वैली, या अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए सीमाब वैली, ये दोनों वैलीज भी लोकेटेड हैं इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये जो गुलमर्ग फेस्टिवल है, इट वॉज अ टू डे फेस्टिवल, एंड इसको ऑर्गेनाइज किया था इंडियन आर्मी ने। एंड इस फेस्टिवल के टाइम पे गुलमर्ग में विकी कौशल भी आए थे। ठीक है, ही इज अ बॉलीवुड एक्टर। थर्ड एडिशन ऑफ फिल्म फेस्टिवल, जिसको सेलिब्रेट किया गया जम्मू में, इट वॉज स्पॉन्सर्ड बाई जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट। ये जो विश्व लिटरेरी फेस्टिवल है, इसको सेलिब्रेट किया गया कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, एंड ये है साउथ कश्मीर का पहला लिटरेरी फेस्टिवल। इसको ऑर्गेनाइज किया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कुलगाम एंड इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। इन दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया विश्व लिटरेरी फेस्टिवल इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। यहां पे देखिए, हंड्रेड्स ऑफ कश्मीरी पंडित्स पार्टिसिपेट इन नौदल तीर्थ यात्रा एट त्राल। ये जो नौदल तीर्थ यात्रा है, ये होती है एट नौदल विलेज, जो कि लोकेटेड है इन त्राल पुलवामा। ये जो नौदल तीर्थ यात्रा है, जिस दिन को ये यात्रा होती है, वो डे मार्क करता है कल्मिनेशन ऑफ अमरनाथ यात्रा, यानी कि जिस दिन नौदल तीर्थ यात्रा होती है, वो होता है आखिरी दिन किसका, अमरनाथ यात्रा का। डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा पुलवामा। एक और यात्रा जो आपको याद रखनी है, वो है हरमुख गंगबल यात्रा। हरमुख गंगबल यात्रा, ये हुई गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये यात्रा स्टार्ट हुई नारानाग टेंपल से एंड खत्म हुई कहां पे, गंगाबल लेक पे। हरमुख गंगबल यात्रा, ये हुई गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। ये स्टार्ट हुई फ्रॉम नारानाग टेंपल एंड खत्म हुई एट गंगबल लेक। यहां पे आपको एक और न्यूज याद रखनी है, वो क्या है, वो न्यूज ये है कि हाल ही में एक समर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, और ये जो समर फेस्टिवल है, इसको सेलिब्रेट किया गया एट लाडू लडूरा रफियाबाद बारामूला। यानी कि बारामूला के एक एरिया में एक समर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, जिस एरिया का नाम है लाडू लडूरा, एंड ये जगह है कहां पे, रफियाबाद में। रिसेंटली एट दी G20 समिट, आउट ऑफ वेरियस गिफ्ट्स गिवन टू दी G20 लीडर्स, वन इज दी पश्मीना शॉल। रिगार्डिंग पश्मीना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज स्लैश आर करेक्ट। हाल ही में G20 समिट जो न्यू दिल्ली में हुई, वहां पे G20 लीडर्स को काफी सारे गिफ्ट्स दिए गए। वन ऑफ द गिफ्ट्स वॉज पश्मीना शॉल फ्रॉम कश्मीर। पश्मीना के बारे में यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये जो पश्मीना है, इट इज अ टाइप ऑफ वूल एंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्रीड्स ऑफ माउंटेन गोट्स फाउंड इन दी चंगथंग प्लेट्यू इन तिब्बत एंड पार्ट्स ऑफ लद्दाख। पश्मीना, इट हैज रिसीव्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन द ईयर 2008।
In 2019, the Bureau of India Standards published an Indian standard for identification, marking and labeling the Pashmina shawls for its purity. यानी कि अगर आपसे पूछा जाए ये जो पश्मीना है ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ वूल, ठीक है, मिलता किन से है, माउंटेन गोट्स. ठीक है, यहां पे मैं आपको बताऊंगा नेम्स ऑफ गोट्स जिनसे हमें पश्मीना मिलता है. एक है चंगथंगी, एक है चेगू, एक है मालरा एंड एक है चांबा. चांबा इज अ डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, लेकिन चांबा एक माउंटेन गोट का भी नाम है जिससे हमें पश्मीना मिलता है. यहां पे आइए, यहां पे हैं प्रोडक्ट्स जिनको अभी तक जीआई टैग मिला है. यहां पे हैं ये दो प्रोडक्ट्स जिनको जीआई टैग बहुत जल्द मिलने वाला है. कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है, सैफ्रॉन, पश्मीना, वॉलनट वुड कार्विंग, कानी शॉल, हैंड नॉटेड कार्पेट्स, सोजानी क्राफ्ट, खतम बंद, पेपर मैशी, सुलेहानी फ्रॉम रामबन डिस्ट्रिक्ट, बदरवा राजमा फ्रॉम डोडा डिस्ट्रिक्ट, मुश्क बुज्जी राइस फ्रॉम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, बशोली पेंटिंग्स फ्रॉम कठुआ डिस्ट्रिक्ट, चिकरी वुडक्राफ्ट फ्रॉम राजौरी डिस्ट्रिक्ट, बशोली पश्मीना वुलन प्रोडक्ट्स ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट, इनको अभी तक जीआई टैग मिला है. एंड कलाड़ी, ये है प्रोडक्ट ऑफ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, इसको बहुत जल्द जीआई टैग मिलने वाला है. एंड अनारदाना, ये है प्रोडक्ट ऑफ रामबन, इसको भी बहुत जल्द जीआई टैग मिलेगा. ठीक है, यहां पे आप एक न्यूज याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जिसके पास ऐसे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है, वो स्टेट है तमिलनाडु. एंड तमिलनाडु के पास 58 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग अभी तक मिल चुका है. जो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट है ये ऑर्गेनाइज कर रही है एक जीआई महोत्सव, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन महोत्सव, कहां पे, एट कश्मीर हाट जो लोकेटेड है श्रीनगर में. यानी कि कश्मीर हाट श्रीनगर में जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है एक जीआई महोत्सव. कब से कब तक, 2 अक्टूबर 2023 से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक. यह जो पश्मीना है इसका एक और नाम है कश्मीर वूल, या कभी कभी इसको सीधा सीधा कहा जाता है कश्मीर. ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए पश्मीना का एक और नाम क्या है, इसका एक और नाम है कश्मीर या कश्मीरी वूल. ठीक है, यहां पे आइए वापस, यहां पे आप G20 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिए. हाल ही में हुई न्यू दिल्ली समिट, दिस वॉज द 18th मीटिंग ऑफ G20. G20 की बहुत सारी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की गई इन डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया, लेकिन मेन इवेंट यही था. न्यू दिल्ली में यह समिट जहां पे हुई उस जगह का नाम है भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान. भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान. अगर आपसे डेट पूछी जाए कि न्यू दिल्ली समिट कब हुई, यह हुई 9th and 10th of September 2023. ये जो G20 है इसमें है 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन. G20 की प्रेसिडेंसी जब इंडिया के पास थी तब अफ्रीकन यूनियन को बनाया गया परमानेंट मेंबर ऑफ G20, यानी कि अब G20 हो जाएगा G21. ठीक है, ये जो यूरोपियन यूनियन है इसमें है 27 मेंबर स्टेट्स एंड जो अफ्रीकन यूनियन है इसमें है 55 मेंबर स्टेट्स. अगर आपसे पूछा जाए जो इंडिया है इसने G20 की प्रेसिडेंसी कब ली थी, डेट वॉज 1st of December 2022 एंड इंडिया ने प्रेसिडेंसी किससे ली थी, इंडोनेशिया से. ठीक है, एंड न्यू दिल्ली समिट के टाइम पे इंडिया ने प्रेसिडेंसी अब सौंपी है किसको, ब्राजील को. इसका मतलब जो ब्राजील है यह होस्ट करेगा 19th एडिशन ऑफ G20.
इन द ईयर 2024। और ब्राजील के प्रेसिडेंट अभी के टाइम पे कौन है? लूला डा सिल्वा। ठीक है, ब्राजील के बाद जो 20th एडिशन है G20 का वो होस्ट करेगा साउथ अफ्रीका। अगर पूछा जाए जो 18th एडिशन इंडिया ने होस्ट किया ऑफ G20, उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये जो G20 है ये बना था इन द ईयर 1999। ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है एंड इसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, यानी कि G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। यह भी आप याद रखिएगा कि ये जो G20 कंट्रीज हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये रिप्रेजेंट करती हैं 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड ये रिप्रेजेंट करती हैं 85% ऑफ ग्लोबल GDP। G20 कंट्रीज दे अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड दे फॉर्म 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड दे अकाउंट फॉर 85% ऑफ ग्लोबल GDP। ठीक है, इन द ईयर 2013 अ 19.88 कैरेट कुशन शेप्ड सैफायर फ्रॉम पाडर एरिया स्मैश्ड ऑल रिकॉर्ड्स आफ्टर इट वॉज सोल्ड फॉर ₹20 crores एट एन ऑक्शन इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। व्हाट वॉज द नेम ऑफ दैट सैफायर जेमस्टोन? 2013 में एक 19.88 कैरेट कुशन शेप्ड सैफायर को ऑक्शन किया गया इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। ये जो सैफायर है ये मिला था पाडर एरिया इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट एंड ये बिका था उस ऑक्शन में इन 20 crores। आपको बताना है उस सैफायर जेमस्टोन का नाम क्या था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टार ऑफ कश्मीर। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए लैंड ऑफ सैफायर एंड सैफ्रॉन, वो है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए ये जो चेनाब वैली है इसमें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, इसमें आते हैं 3 districts, एक है किश्तवाड़, एक है डोडा, एक है रामबन। किश्तवाड़, डोडा एंड रामबन, दीज 3 districts फॉर्म चेनाब वैली। ठीक है, रिसेंटली एलजी मनोज सिन्हा इनॉग्रेटेड दी 44th PSPB इंटर यूनिट गॉफ टूर्नामेंट एट रॉयल स्प्रिंग्स गॉफ कोर्स इन श्रीनगर। द टूर्नामेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल पब्लिक सर्विस एंटरप्राइजेस? हाल ही में एलजी मनोज सिन्हा ने इनॉग्रेट किया 44th PSPB इंटर यूनिट गॉफ टूर्नामेंट एट रॉयल स्प्रिंग्स गॉफ कोर्स इन श्रीनगर। आपको बताना है ये जो टूर्नामेंट है इसको इन 4 options में से किस सेंट्रल पब्लिक सर्विस एंटरप्राइज ने ऑर्गेनाइज किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि ONGC ने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। आपको यहां पे ये याद रखना है ये जो ONGC है इसकी एक ओवरसीज आर्म भी है जिसका नाम है ONGC विदेश लिमिटेड। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि अभी के टाइम पे इंडिया में है 13 महारत्ना कंपनीज एंड जो 13th महारत्ना कंपनी हाल ही में बनी है उसका नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसके बगैर जो 12 महारत्ना कंपनीज हैं उनका नाम क्या है? एक है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, ठीक है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये कितनी कंपनीज आई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हैं 12 एंड ये है 13th महारत्ना कंपनी। यानी कि अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए इंडिया में कितनी महारत्ना कंपनीज हैं, आपका आंसर होना चाहिए 13। अगर 13th पूछी जाए तो वो कंपनी है
ऑयल इंडिया लिमिटेड। एक और चीज आप याद रखिए, इंडिया में है 15 नवरत्न कंपनीज एंड जो 15th नवरत्न कंपनी हाल ही में बनी है उसका नाम है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इंडिया में है 15th नवरत्न कंपनीज एंड जो 15th नवरत्न कंपनी हाल ही में बनी है उसका नाम है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है HPCL, इसने हाल ही में यह अनाउंसमेंट की है कि यह एक इथेनॉल प्लांट लगाएगा। यह एक इथेनॉल प्लांट लगाएगा कहां पे? ऊना डिस्ट्रिक्ट जो कि है हिमाचल प्रदेश में, एंड इसमें जो कॉस्ट आएगी वो है 500 करोड़ रुपीज। ये जो रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स है श्रीनगर में, यहां पे पहले हुआ करती थी सलीम अली नेशनल पार्क या जिसका एक और नाम था सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ये जो नेशनल पार्क है इसको नोटिफाई किया गया था इन द ईयर 1986, लेकिन बाद में जाके इस नेशनल पार्क को कन्वर्ट किया गया इनटू रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स बिटवीन 1998 एंड 2001, एंड उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर वाज फारूक अब्दुल्ला। सलीम अली ही वाज अ फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड इनको कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इनको कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये कहां पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है गोवा में, लेकिन जो सलीम अली नेशनल पार्क है अभी तो नहीं है, लेकिन अगर फिर भी एग्जाम में पूछा जाए सलीम अली नेशनल पार्क कहां पे थी, ये थी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अब यहां पे है इसके बदले रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स। रिसेंटली कश्मीर फोक फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस एट टैगोर हॉल श्रीनगर। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। हाल ही में एक कश्मीर फोक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया किसने? जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने एट टैगोर हॉल श्रीनगर। आपको बताना है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, इसको किस साल में एस्टैब्लिश किया गया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1958। ये जो जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस है इसने हाल ही में एक कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था एट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बड़गाम। यह न्यूज भी आपको याद रखनी है। Who among the following has become the first Indian woman to be included in the jury panel at Asian Games 2023? Asian Games 2023 में jury panel में include होने वाली पहली Indian woman कौन बनी है? इस question का correct answer है option number B, Bilkis Mir, and she is from Jammu and Kashmir. ये जो Asian Games 2023 हैं, असल में ये हैं Asian Games 2022, लेकिन कोविड की वजह से दे गॉट डिलेड, इसीलिए इनको ऑर्गेनाइज किया गया इन द ईयर 2023, बट असल में ये हैं एशियन गेम्स 2022। अगर एडिशन पूछा जाए एडिशन है 19th। अगर होस्ट सिटी पूछी जाए एग्जाम में, होस्ट सिटी वॉज होंगजाओ चाइना। ठीक है, ये जो होंगजाओ चाइना है ये है थर्ड चाइनीज सिटी जिसने एशियन गेम्स को होस्ट किया। इससे पहले बीजिंग ने एशियन गेम्स को होस्ट किया था इन द ईयर 1990। उसके बाद चाइना की एक और सिटी है जिसका नाम है गोंगजाओ, इसने एशियन गेम्स को होस्ट किया था इन द ईयर 2010। अगर एग्जाम में पूछा जाए मैस्कॉट ऑफ एशियन गेम्स 2022, इसके तीन मैस्कॉट्स थे, नोट कीजिए, चैन चैन, लियान लियान, कोंग कोंग। चैन चैन, लियान लियान, कोंग कोंग, ये तीन मैस्कॉट्स थे एशियन गेम्स 2022 के जिनको ऑर्गेनाइज किया गया इन द ईयर 2023। ये जो तीनों मैस्कॉट्स हैं ये हैं तीन रोबोट्स, ठीक है, एंड इनका एक ही नाम है वो है मेमोरीज ऑफ
जियांगनैन, मेमरीज ऑफ जियांगनैन, ये इनका एक ही नाम है। अगर हम मेडल टैली की बात करें तो मेडल टैली को टॉप किया चाइना ने, एंड चाइना ने जीते 251 मेडल्स। जो इंडिया है, इंडिया की मेडल टैली में रैंक रही फोर्थ, एंड इंडिया ने टोटल 56 मेडल्स जीते। इन मेडल्स का बाइफर्केशन क्या है, 13 गोल्ड, 21 सिल्वर एंड 22 ब्रॉन्ज। ठीक है, 56 मेडल्स जो इंडिया ने जीते एट एशियन गेम्स 2022, इसमें है 13 गोल्ड, 21 सिल्वर एंड 22 ब्रॉन्ज। ठीक है, जो इंडियन एयरफोर्स का वेस्टर्न एयर कमांड है, इसने हाल ही में एक एनुअल एक्सरसाइज कंडक्ट की जिसका नाम है त्रिशूल, एंड इसको ऑर्गेनाइज किया गया इन दी नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया लाइक लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज पंजाब। न्यूज क्या है, जो इंडियन एयरफोर्स है, इसका जो वेस्टर्न एयर कमांड है, इसने एक एनुअल एक्सरसाइज कंडक्ट की जिसका नाम है त्रिशूल, एंड इसको कंडक्ट किया गया इन दी नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया जैसे कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब। ठीक है, ये न्यूज है, आपको एक्सरसाइज का नाम याद रखना है त्रिशूल। अगर आपसे पूछा जाए जो एयरफोर्स डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 8th of October एवरी ईयर। जो नेवी डे है इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 4th of December एवरी ईयर, एंड जो आर्मी डे है इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th of January एवरी ईयर। ठीक है, जो चीफ है ऑफ आर्मी स्टाफ उनका नाम है मनोज पांडे, जो चीफ है ऑफ नेवी स्टाफ उनका नाम है आर हरि कुमार, एंड जो चीफ है ऑफ एयरफोर्स स्टाफ उनका नाम है विवेक राम चौधरी। ठीक है, एंड जो अभी के टाइम पे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनका नाम है अनिल चौहान, उनका नाम क्या है, अनिल चौहान। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैज रिलीज्ड द बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिस्टिक्स 2022। एज पर दिस रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन इंडिया। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इसने एक रिपोर्ट जारी की जिसका नाम है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिस्टिक्स 2022। इसके हिसाब से आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन इंडिया कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन इंडिया, वो स्टेट है गुजरात। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड, कौन सी स्टेट है, वो स्टेट है राजस्थान। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इन इंडिया, वो स्टेट है महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सनफ्लावर इन इंडिया, वो स्टेट है कर्नाटका। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोटल ऑयल सीड्स इन इंडिया, यानी कि ये ओवरऑल बात कर रहा है, तो उसका आंसर आएगा राजस्थान। अगर आपसे पूछा जाए न्यूट्री और कोर सीरियल्स के हिसाब से लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, तो उसका भी आंसर आएगा राजस्थान। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहां पे आइए, दीज आर की हाइलाइट्स ऑफ बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिस्टिक्स 2022। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क राजस्थान, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्स आंध्र प्रदेश, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीट महाराष्ट्र, एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल पहले नंबर पे राजस्थान, सेकंड नंबर पे है जम्मू एंड कश्मीर। ये हमारे काम की चीज है। 500 फार्मर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैव
switched from traditional maize and paddy to growing of different shades of yellow colored marigold. इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है किस प्लेस के फार्मर्स ने मेज और पैडी को छोड़ के येलो कलर्ड मैरीगोल्ड की कल्टीवेशन शुरू की है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केलर वैली बदरवा इन डोडा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अगर आपको याद होगा जो जम्मू सिटी है इसको कहा जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स। यहां पे काफी सारे टेम्पल्स हैं और जो हमारे हिंदू भाई हैं जब वो पूजा करते हैं भगवान की तो वो यही मैरी गोल्ड फ्लावर भगवान को चढ़ाते हैं, इसीलिए इनकी काफी ज्यादा डिमांड रहती है मैरी गोल्ड फ्लावर्स की। अगर आपको याद होगा इससे पहले जो बदरवा है ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट, यहीं पे फार्मर्स ने कल्टीवेट किया था लेवेंडर, जिसकी वजह से यहां पे हुआ था पर्पल रेवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि इन फार्मर्स की इनकम 4 times बढ़ गई थी। ये जो लेवेंडर है ये है एक अरोमेटिक प्लांट, ठीक है, इस लेवेंडर से सोप्स बनाई जाती हैं, रूम फ्रेशनर्स बनाए जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड अरोमेटिक प्लांट्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड अरोमेटिक प्लांट्स ये कहां पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए लेवेंडर फेस्टिवल ये कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है बदरवा डोडा। एक और इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिए वो ये है कि इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट्स ये भी लोकेटेड है इन बदरवा डोडा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टनल्स इज नॉट लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सी टनल जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेला टनल। ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये जो खेलानी टनल है इसकी लेंथ है 1.574 किलोमीटर। ये बन रही है डिस्ट्रिक्ट डोडा में, ये बन रही है ऑन नेशनल हाईवे 244। जो कंपनी इसको बना रही है उसका नाम है NHIDCL, नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये NHIDCL इट वॉज फाउंड इन द ईयर 2014। इट इज फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHIDCL कौन है, उनका नाम है चंचल कुमार। ये जो नौशेरा टनल है इसकी लेंथ है 700 meters। ये जिस हाईवे पे बन रही है वो हाईवे है नेशनल हाईवे 144A एंड जिस डिस्ट्रिक्ट में बन रही है वो डिस्ट्रिक्ट है राजौरी। ये जो खेलानी टनल है ये भी एक रोड टनल है, नौशेरा टनल ये भी एक रोड टनल है, लेकिन ये जो T49 टनल है ये रेल टनल है, इसके थ्रू रेल चलेगी। इसकी लेंथ है 12.758 किलोमीटर एंड इट इज दी लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया। जिस डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है वो है डिस्ट्रिक्ट रामबन। ये जो T49 टनल है इसका जो नॉर्दर्न पॉइंट है उसका नाम है अर्पिंचला एंड जो सदर्न पॉइंट है इसका उसका नाम है सुंबर, यानी कि ये अर्पिंचला को सुंबर से जोड़ती है। अर्पिंचला नॉर्दर्न साइड पे है एंड सुंबर सदर्न साइड पे है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, यहां पे साउथ एस, यहां पे एस सुंबर। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। भगत ब्रिज इट इज लोकेटेड इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, देवक ब्रिज इट इज लोकेटेड इन सांबा डिस्ट्रिक्ट, जैसवाल ब्रिज इट इज लोकेटेड इन रामबन डिस्ट्रिक्ट एंड चेनाब रेल ब्रिज इट इज लोकेटेड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट।
दैट मीन्स वन का आएगा सी, टू का आएगा ए, थ्री का आएगा डी एंड फोर का आएगा बी. दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये जो भगत ब्रिज है इसको बनाया है इंडियन आर्मी ने. किस डिस्ट्रिक्ट में है ये? ये है इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट. ये जो देवक ब्रिज है ये है इन सांबा डिस्ट्रिक्ट. इसको हाल ही में इनॉग्रेट किया है किसने? डिफेंस मिनिस्टर, जिनका नाम है राजनाथ सिंह. ये जो जैसवाल ब्रिज है ये है ऑन रिवर चेनाब. ये जो चेनाब रेल ब्रिज है ये भी बना है ऑन चेनाब रिवर. किस डिस्ट्रिक्ट में? रियासी डिस्ट्रिक्ट में. जिन दो जगहों को चेनाब रेल ब्रिज जोड़ता है वो है कौरी एंड बक्कल. ये कौरी को बक्कल से जोड़ता है. ठीक है, ये जो चेनाब रेल ब्रिज है इट इज द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड. इंडिया में ही नहीं, इट इज द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड. इस चेनाब रेल ब्रिज की लेंथ है 1.315 किलोमीटर एंड इसकी हाइट है 359 मीटर्स अबव रिवर बेड. ठीक है, यहां पे देखिए, इन दो जगहों को जब जोड़ा गया नीचे ऐसे एक आर्च भी बनी है. ठीक है, जब इस आर्च को यहां पे जोड़ा गया इस पॉइंट को नाम दिया गया गोल्डन ज्वाइंट. इस पॉइंट को नाम दिया गया गोल्डन ज्वाइंट. यह भी आपको याद रखना है. यह जो चेनाब रिवर है यह जेएनके का ऐसा रिवर है जिसकी सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल है. चेनाब रिवर इट हैज दी हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल. ठीक है, यह आपको याद रखना है. एक और ब्रिज जो आपको याद रखना है उस ब्रिज का नाम है बेली सस्पेंशन ब्रिज और मैत्री सेतु. यह भी है इन रामबन डिस्ट्रिक्ट एंड जिस रिवर पे यह बनाया गया है वो रिवर है चेनाब. ठीक है, यह भी याद रखिएगा. मैत्री सेतु कहां पे है? रामबन डिस्ट्रिक्ट में एंड यह बना है अक्रॉस चेनाब रिवर. यहां पे आपको एक और इंपॉर्टेंट न्यूज याद रखनी है. वो क्या है? जो उधमपुर रेलवे स्टेशन है इसका हाल ही में नाम बदल दिया गया है एंड इसका अब नाम रखा गया है मार्टर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन. उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रखा गया है मार्टर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन. जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लॉन्च्ड अ कम्युनिटी रेडियो अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द यूनियन टेरिटरी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू. व्हाट इज द नेम ऑफ द रेडियो स्टेशन? हाल ही में एलजी मनोज सिन्हा ने एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लॉन्च किया एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू. आपको बताना है उस रेडियो स्टेशन का नाम क्या है. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 91.2 एफएम ध्वनि जम्मू यूनिवर्सिटी. ठीक है, रिसेंटली द प्रेसिडेंट हैज लॉन्च्ड द प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान एंड अनाउंस्ड द निक्षय 2.0 पोर्टल एज वेल रिगार्डिंग टीबी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज स्लैश आर करेक्ट? हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान एंड एक पोर्टल भी अनाउंस किया जिसका नाम है निक्षय 2.0 पोर्टल. यहां पे टीबी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं. आपको बताना है इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. यानी कि ये जो ट्यूबरक्लोसिस है इट इज ए बैक्टीरियल डिजीज एंड एक ड्रग है जिसका नाम है बेडाक्यूलिन. इट इज अ ड्रग दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी एंड इंडिया ने टारगेट सेट किया है टू एलिमिनेट टीबी बाय द एंड ऑफ द ईयर 2025. यानी कि एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए निक्षय 2.0 पोर्टल ये किस डिजीज के रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है, मैच द फॉलोइंग. कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है. हचमार कुपवाड़ा इसको कहा जाता है टमेटो विलेज ऑफ कश्मीर. किश्तवार इसको कहा जाता है लैंड ऑफ सैफायर एंड सैफ्रॉन. ख्रीव पुलवामा इसको कहा जाता है सीमेंट कैपिटल ऑफ कश्मीर. एंड श्रीनगर इसको कहा जाता है
वेनिस ऑफ कश्मीर. दैट मीन्स वन का आएगा सी, टू का आएगा डी, थ्री का आएगा ए एंड फोर का आएगा बी. ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में चिनार टाउन किसको कहा जाता है, आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए बिजबिहारा. अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए सिटी ऑफ शीट्स किसको कहा जाता है, इसका आंसर होगा सांबा. ठीक है. अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए सिटी ऑफ स्टोन्स, यह किसको कहा जाता है, आपका आंसर होना चाहिए परिहासपुरा पटन बारामुल्ला. ठीक है. अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए लैंड ऑफ किंग्स, इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा राजौरी. ठीक है. ये सारी चीजें आपको याद रखनी है. रिसेंटली नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस. हाल ही में नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2023 इन चार ऑप्शंस में से कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी जम्मू. ये जो नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2023 है, इट इज इनिशिएटिव ऑफ नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी. अगर आपसे पूछा जाए हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्दर्न कमांड कहां पे हैं, वो हैं इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. अगर आपसे पूछा जाए अभी के टाइम पे हेड कौन है नॉर्दर्न कमांड के, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी. ठीक है. यहां पे ये न्यूज क्या है, न्यूज ये है कि जो इंडियन एयरफोर्स है इसने एक एयर शो ऑर्गेनाइज किया, कहां पे, इंडियन एयरफोर्स स्टेशन जम्मू. किस लिए, टू कमेमोरेट 76 ईयर्स ऑफ एक्सेशन. किसका एक्सेशन, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू द इंडियन यूनियन. ठीक है. जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है यह साइन हुआ था ऑन 26th of October 1947. 2023 में इसके 76 ईयर्स कंप्लीट हुए एंड इसी को सेलिब्रेट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने एक एयर शो ऑर्गेनाइज किया था एट इंडियन एयरफोर्स स्टेशन जम्मू. ठीक है. रिसेंटली इंडिया एंड पाकिस्तान अटेंडेड इंडस वाटर ट्रीटी मीटिंग कन्वीन्ड बाय द न्यूट्रल एक्सपर्ट इन वियना. इट इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. हाल ही में इंडिया एंड पाकिस्तान ने अटेंड की इंडस वाटर ट्रीटी मीटिंग, जिसको कन्वीन किया न्यूट्रल एक्सपर्ट ने, एंड ये मीटिंग हुई वियना में. आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से ये जो वियना है ये किस कंट्री की कैपिटल है. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया. यानी कि वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है. यह जो वियना है यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं, जैसे कि ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में. यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूएनओडीसी, इसका हेडक्वार्टर भी है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर भी है वियना में. यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो, इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर लोकेटेड है वियना में. ओपेक, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन चारों इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में. यह तो आपको पता ही है इंडस वाटर ट्रीटी, इट वॉज साइंड ऑन 19th of September 1960. पाकिस्तान की तरफ से इसको साइन किया था
अयूब खान ने, एंड इंडिया की तरफ से इसको साइन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। साइन इसको कहां पे किया गया था? कराची, पाकिस्तान। इस ट्रीटी के अंडर जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं इनका कंट्रोल दिया गया इंडिया को। इसमें क्या क्या आता है? रावी, बियास एंड सतलज। एंड जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं इनका कंट्रोल दिया गया पाकिस्तान को। इसमें आते हैं चेनाब, जेहलम एंड इंडस। ठीक है। एंड ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इट वॉज ब्रोकर्ड बाई वर्ल्ड बैंक। ठीक है। तब इसको कहा जाता था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एंड उस टाइम पे आईबीआरडी के प्रेसिडेंट थे यूजीन ब्लेक। ये जो वर्ल्ड बैंक है हाल ही में इसने एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किया एंड एक चेयरमैन अपॉइंट किया ऑफ द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। न्यूट्रल एक्सपर्ट बनाया गया माइकल लिनो को एंड चेयरमैन बनाया गया शॉन मर्फी को। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असल में जो पाकिस्तान है इट हैज रेज्ड इट्स ऑब्जेक्शंस ऑन डिजाइन्स ऑफ किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एंड रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। इसीलिए जो वर्ल्ड बैंक है इसने चेयरमैन बनाया ऑफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन किसको? शॉन मर्फी को। एंड एक न्यूट्रल एक्सपर्ट भी अपॉइंट किया जिनका नाम है माइकल लिनो। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट ट्रीटी आप यहां पे याद रखिए, वो ट्रीटी है हेलमंद रिवर ट्रीटी। इसको साइन किया गया था इन द ईयर 1973 बिटवीन ईरान एंड अफगानिस्तान। यानी कि ईरान एंड अफगानिस्तान के बीच में एक रिवर ट्रीटी है जिसका नाम है हेलमंद रिवर ट्रीटी एंड इट वॉज ऑल्सो रिसेंटली सीन इन न्यूज। रिसेंटली एलजी मनोज सिन्हा वर्चुअली अटेंडेड द लॉन्च सेरेमनी ऑफ पीएम विश्वकर्मा स्कीम। रिगार्डिंग पीएम विश्वकर्मा स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। हाल ही में एलजी मनोज सिन्हा ने अटेंड की वर्चुअली लॉन्च सेरेमनी ऑफ पीएम विश्वकर्मा स्कीम। यहां पे चार स्टेटमेंट्स गिवन है अबाउट दिस स्कीम। आपको बताना है इन चार स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यही स्टेटमेंट गलत है एंड यही हमारा आंसर है। यह जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम है इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है अ स्कीम विच इज फुल्ली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। यानी कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए पीएम विश्वकर्मा स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ये होगी नोडल मिनिस्ट्री ऑफ पीएम विश्वकर्मा स्कीम। अगर पूछा जाए इस स्कीम का इनिशियल आउटले कितना है, वो है रुपीज 13,000 करोड़। इस स्कीम को इनिशियली इंप्लीमेंट किया जाएगा फॉर 5 years अप टू 2027-2028। एंड इस स्कीम के अंडर होगा क्या? इस स्कीम के अंडर जो आर्टिजन्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनका स्किल अपग्रेडेशन किया जाएगा, उनको कोलैटरल फ्री क्रेडिट दिया जाएगा, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर बेटर एंड मॉडर्न टूल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि ये जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम है इट इज फॉर आर्टिजन्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इनिशियल आउटले कितने साल के लिए और कब तक और किन के लिए स्कीम है, यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं अबाउट दिस स्कीम। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेडर ट्री हैज बीन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दुनिया की सबसे बड़ी सेडर ट्री जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में हाल ही में पाई गई? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डोडा। यहां पे आप देख रहे हो ये जो ट्री है इसका जो ट्रंक का डायमीटर है वो है 54 फीट। ठीक है, ये याद रखिएगा। एंड ये जो ट्री है इट वॉज फाउंड इन बदरवा फॉरेस्ट डिवीजन। इट वॉज फाउंड इन बदरवा फॉरेस्ट डिवीजन।
अगर विलेज का नाम पूछा जाए वो है चंतीबाला विलेज, जहां पे ये ट्री है, ये याद रखिएगा। एक और ट्री जो हाल ही में न्यूज में देखी गई, उसका नाम है पैटागोनियन साइप्रस ट्री। इसका एक और नाम है ग्रेट ग्रैंडफादर। पैटागोनियन साइप्रस ट्री, इसका एक और नाम है ग्रेट ग्रैंडफादर। इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ट्री। इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ट्री, एंड ये जिस कंट्री में लोकेटेड है ग्रेट ग्रैंडफादर, उसका नाम है चीले। ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है चीले, यहीं पे है पैटागोनियन साइप्रस ट्री जिसका एक और नाम है ग्रेट ग्रैंडफादर। ये है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट ट्री। ये जो चीले है इसकी कैपिटल है सेंटियागो। व्हाट परसेंटेज ऑफ विलेजेस इन जम्मू एंड कश्मीर हैव अचीव्ड ओडीएफ प्लस मॉडल स्टेटस अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। जम्मू एंड कश्मीर के कितने परसेंट विलेजेस ने अचीव किया ODF प्लस मॉडल स्टेटस अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 100%। यहां पे देखिए ऑल ऑफ J&K's 6650 विलेजेस डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस मॉडल। ये जो ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस है ये क्या होता है? अगर हमने किसी एरिया को डिक्लेयर किया ODF ओपन डेफिकेशन फ्री, इसका मतलब अगर आप दिन के किसी भी टाइम पे उस एरिया में जाओगे, वहां पे आपको कोई भी पर्सन खुले में डेफिकेट करता हुआ नहीं दिखाई देगा। अगर अब हमने किसी एरिया को डिक्लेयर किया ODF प्लस, इसका मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, इसका मतलब दिन के किसी भी टाइम पे अगर आप उस एरिया में जाओगे, ना तो वहां पे कोई पर्सन आपको ओपन में डेफिकेट करता हुआ दिखाई देगा, ना तो ओपन में यूरिनेट करता हुआ दिखाई देगा, और जो वहां पे पब्लिक टॉयलेट्स हैं दे आर फंक्शनल एंड वेल मेंटेन्ड। ODF प्लस प्लस ऐसे एरिया को हम स्टेटस दे सकते हैं जो ऑलरेडी ODF प्लस है, एंड उसके बाद वहां पे कोई भी अनट्रीटेड फीकल स्लज या सीवेज ना हो, ठीक है। ये जो स्वच्छ भारत ग्रामीण है इसको लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2014। किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये याद रखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसको लॉन्च किया था इन द ईयर 2014 किसने? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। जम्मू एंड कश्मीर के एक पर्सन हैं जिनका नाम है किफायतुल्ला मलिक। इनको हाल ही में मिला NSS वॉलंटियर अवार्ड 2021-2022 एंड इनको ये अवार्ड दिया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है। रिसेंटली 31st मीटिंग ऑफ नॉर्दर्न जोनल काउंसिल चेयर बाय यूनियन मिनिस्टर अमित शाह वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। हाल ही में 31st मीटिंग हुई नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की, आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से किस सिटी में यह मीटिंग हुई। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमृतसर, ठीक है। ये जो यूनियन मिनिस्टर हैं अमित शाह, इनके पास दो मिनिस्ट्रीज हैं। ही इज द यूनियन होम मिनिस्टर एंड ही इज ऑल्सो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑन वर्ल्ड टूरिज्म डे द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल टूरिज्म हैज अवार्डेड दावर एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज। दावर इज अ स्मॉल विलेज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वर्ल्ड टूरिज्म डे के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल टूरिज्म ने दावर को अवार्ड दिया एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज। ये जो दावर है आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बांडीपोरा। ये जो दावर विलेज है इट इज लोकेटेड इन गुरेज वैली बांडीपोरा। ये जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 27th ऑफ सेप्टेंबर एवरी ईयर, ये भी याद रखना है आपको। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-2022, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग स्टेट। हाल ही में
नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-2022 रिलीज किया गया, इसके हिसाब से आपको बताना है इंडिया की मोस्ट इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग स्टेट कौन सी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। यह जो कर्नाटका है इसकी कैपिटल है बेंगलुरु एंड यहां के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धरामैया। यहां पे आइए, यह है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स, इसको टॉप किया है कर्नाटका ने। जो जम्मू एंड कश्मीर है इसकी इस इंडेक्स में रैंक है 21st, ये आपको याद रखना है। यहां पे आप एक और न्यूज याद रखिए, वो क्या है, जो जम्मू एंड कश्मीर है इसकी रैंक है फर्स्ट, किसमें, इन जियो टैगिंग ऑफ क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जम्मू एंड कश्मीर की रैंक है फर्स्ट, किसमें, इन जियो टैगिंग ऑफ क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये जो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इनको इंप्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये न्यूज भी आप याद रखिएगा। एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नीमास, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। ये लोकेटेड है इन दिरांग अरुणाचल प्रदेश। यहां के कुछ माउंटेनर्स ने एक एक्सपेडिशन स्टार्ट की है कि ये हर किसी स्टेट में जाएंगे, वहां पे जो हाईएस्ट पीक है उस पे ये चढ़ेंगे, उस पे ये क्लाइंब करेंगे एंड वहां पे ये लहराएंगे इंडियन नेशनल फ्लैग। ठीक है, यहां पे आपको ये याद रखना है, यानी कि ये चढ़ेंगे किस पे, नून पीक पे, विच इज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। आप यहां पे ये भी याद रखिए, नून एंड कुन, दीज आर टू माउंटेनर्स एंड दे आर पार्ट ऑफ जंस्कार रेंज। ठीक है, ये जो नून है इसकी हाइट है 7135 मीटर्स एंड जो कुन है इसकी हाइट है 7077 मीटर्स। इसका मतलब जो नून है ये हाइट में बड़ा है एज कंपेयर टू कुन। ठीक है, अगर ये यहां पे नून माउंटेन है, इसके बिल्कुल नॉर्थ में है कुन माउंटेन। नून एंड कुन के बीच में है एक स्नोई प्लेट्यू, यानी कि नून एंड कुन, दीज टू माउंटेनस आर सेपरेटेड बाय ए स्नोई प्लेट्यू। ये जो नून कुन माउंटेनस हैं, इनके नॉर्थ में है सुरू वैली, इनके नॉर्थ में है सुरू वैली एंड इनके साउथ में है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। अगर एग्जाम में नूनकुन माउंटेनस की एग्जैक्ट लोकेशन पूछी जाती है, इनकी एग्जैक्ट लोकेशन याद रखिए, दीज आर लोकेटेड नियर संकू इन द सुरू वैली कारगिल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो नून एंड कुन है इनके नॉर्थ में है सुरू वैली एंड साउथ में है किश्तवाड़ हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क। नूनकुन माउंटेनस, दीज आर पार्ट ऑफ जंस्कार रेंज। नून की हाइट है 7135 मीटर्स एंड कुन की हाइट है 7077 मीटर्स। इसका मतलब नून हाइट में ज्यादा है एज कंपेयर टू कुन। नून एंड कुन, दीज आर सेपरेटेड बाय ए स्नोई प्लेट्यू। ठीक है, आई होप आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।